नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनसा के लक्ष्मणीय में पोखर में डूबकर दो बालिका के मृत्यु। नेपाल में सोम दिन कोरोना से और 18 गोटे की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में और 3790 गोटे संक्रमित। कोरोना के संदर्भ में अफवाह के पाछा नहीं लगा सरकार द्वारा सब संग अपील। गरीब असहाय सहित के निशुल्क इलाज करवा कथन। राजू सदा मृत्यु के जांच कर गठित समिति के प्रतिवेदन प्रदेश सभा में पेश। अस्पतालक अव्यवस्था सहित कारण से ठीक से इलाज नहीं भेल ठहर। आ प्रदेश तो प्रदेश सभा से निजामती सेवा आ बाल बालिका अधिकार संबंधी दुट्टा विधेयक पारित। चालू अधिवेशन मंगल के रात से अंत भ रहा। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के लक्ष्मणिया में पोखर में दो बालिका के शव भेटल छे। लक्ष्मणिया गांव पालिका वार्ड नंबर एक सिनूर जोड़ा के 8 वर्षक खुशी यादव आ 9 वर्षक राधिका यादव के पोखर में शव भेटल अछि। ओकर सबक शव रवि के साँझ भेटल अछि। शनि दिन खेलबाक क्रम में घर से हरायल दुनू बालिका साँझ धरि घर नहीं घुरलाभाल खोजी जारी भेल छल। दुनू बालिका के शव रवि के साँझ पोखरि में भेटल। धनसा के प्रहरी नायब परीक्षक मकेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी दिलन अछि। ओकर सबक डूबि के मृत्यु भेल भ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। यद्यपि घटना के आरो अनुसंधान भ रहल अछि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 3790 कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। मंत्रालय सोम दिन कयने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम देशभर 3790 संक्रमित बढ़ल जानकारी दिलन अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 2388 गोटे संक्रमित बढ़ल छै। जाहि में काठमांडू में 800, भक्तपुर में 99 आ ललितपुर में 281 गोटे रहल छै। एहि संगे देशभर कुल संक्रमित के संख्या 40,778 पहुँचल छे। अखन धरि कुल संक्रमण में पड़ल व्यक्ति सब के संख्या 1,36,036 पहुँचल छे। देशभर संस्थागत आइसोलेशन में 13,851 गोटे रहल छे। तहिना 26,927 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छे। इसके बाद अनिवार्य तीन तह को मास्क नाक मुख र चिउँडो में टपक का मिलने गरी लगाऊ। बाहिरबाट आउँदा पटक पटक मिचीमिची 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुने गरौँ। सकेसम्म यस पटक धार्मिक स्थलहरू नखोलौँ। त्यस्ता ठाउँमा जमघट नहुँ। हुनै परे पनि सीमित मात्र व्यक्ति बसी नित्य पूजा गरौँ र घरैमा बसेर देवीको पूजा आराधना गरौँ। पिछला 24 घंटा में देशभर 2,335 गोटे ठीक भेल छै। एहि संगे अखन धरि 94,501 गोटे ठीक भ कऽ घर घुरल छै। प्रवक्ता गौतम के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से ठीक होवय वाला के दर 69.5% रहल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में 18 गोटे व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु भेल छै। एहि संगे अखन धरि कोरोना संक्रमण से मृत्यु होवय वाला के संख्या 757 पहुँचल छै। अखन धरि 13,918 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल छै। देशभर 63 गोटे के वेंटिलेटर पर इलाज भ रहल छै। तहिना 282 गोटे ICU में रहल छै। एहि बाहेक देशभर 4,470 गोटे क्वारंटाइन में रहल छै। एम्हर प्रदेश दू मे सोम दिन आओर 54 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसँ बेसी 12 मे संक्रमित भेटल छै। 12 मे 26, धनुषा मे 9, सप्तरी मे 5, परसा मे 5, सरलाही मे 3, महत्तरी मे 3, सिराहा मे 2 आ रोथड़ मे 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश दू मे कुल संक्रमित के संख्या 14,938 पहुँचल छै। अखन धरि प्रदेश दू मे कोरोना संक्रमण सँ 161 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। प्रदेश दू मे सबसँ बेसी परसा मे 47 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी मे 23, धनुषा में 18, 12 में 18, महोत्तरी में 16, सिराहा में 16, सरलाही में 13 आ रोथड़ में 9 गोटे के मृत्यु भेल छै। सोम दिन 70 गोटे कोरोना से मुक्त भ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश दू में 12,900
76 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छे। अखन धरि प्रदेश दू में 130,741 गोटे के स्वाब संकलन कैल गेल छे, जाहि में 1,121 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छे। एहि प्रदेश में 635 गोटे आइसोलेशन में आ 1,166 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छे। तहिना क्वारंटाइन में 92 आ होम क्वारंटाइन में 1,110 गोटे रहल छे। सरकार कोरोना के संदर्भ में अफवाह में नहीं लागा सब संग अपील कलक। सोम दिन मंत्रिपरिषद के आसीन 26 आ 29 गते के निर्णय सब सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग एहन आग्रह कलन और राज्य सब नागरिकक स्वास्थ्य इलाज के व्यवस्थापन आ प्रबंध मिलौने समेत बतौलन। स्वास्थ्य संरचना के विस्तार, परीक्षण के दायरा बढ़ाव आ इलाजक सुविधा उपलब्ध कराव सरकार गंभीर भेल से ओ बतौलन। आर्थिक रूप में विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपांगता भेल व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आ विशेष रूप में रहल वर्ग के लेल सरकार निःशुल्क इलाज के व्यवस्था केने सेहो मंत्री गुरुंग स्पष्ट कलन। सरकार स्वास्थ्य संरचना को विस्तार विशेषतः प्राथमिकता उपचार को निम्ति विपन्न वर्ग, आर्थिक रूप में विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूप में ये वर्ग को निम्ति निःशुल्क उपचार को व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने रोगक संक्रमण विस्तार होइत गेल संदर्भ में काठमांडू उपत्यका में और 200 आ उपत्यका बाहर 200 उच्च किस्म के प्रविधि सहित के सघन इलाज कक्ष के विस्तार 15 दिन भीतर क लेबाक निर्णय समेत भेल ओ जानकारी देलन। तहिना अंतर्राष्ट्रीय खुला सीमाना में होय वाला आवाजाही कार्तिक 30 गते रवि दिन मध्य रात धरि के लेल स्थगित करबाक पुरान व्यवस्था के निरंतरता देवाक निर्णय कयने सेहो मंत्री गुरुंग जानकारी देलन। मुदा 13 प्रवेश बिंदु से नेपाल प्रवेश कर आ माल सामान के ढुवानी व्यवस्था के यथावत कायम करबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी देलन। ये व्यवस्था विपरीत आवाजाही कला पर कानून अनुसार कार्रवाई हेबाक सेहो मंत्री गुरुंग जानकारी देलन। तहिना छोट मध्यम तथा लंबा दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन आ आंतरिक हवाई उड़ान में सीट अनुसार के यात्रु क्षमता राख पेबाक आ चैत 11 गते से पहिन के भाड़ा दर कायम हेबाक निर्णय सेहो मंत्रिपरिषद के बैठक से भेल मंत्री गुरुंग जानकारी देलन। तहिना मंत्रिपरिषद के बैठक 200 से बेसी सक्रिय संक्रमित के संख्या भेल जिला में और जिला से प्रवेश कर आ सवारी साधन के आवाजाही के नियमन आ व्यवस्थापन तथा नियंत्रण करबाक अधिकार प्रमुख जिला अधिकारी के देलक। अय बाहेक 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित भेल जिला में वा जिला भीतर के कोनो भाग में कोनो सेवा वा कार्य में रोक लगेबाक अधिकार सेहो प्रमुख जिलाधिकारी के देलक। प्रधानमंत्री आ मंत्री सबके दसै भत्ता कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण तथा इलाज के कोष में जमा करबाक निर्णय सेहो मंत्रिपरिषद के बैठक कयने मंत्री गुरुंग जानकारी देलन। तहिना प्रदेश स्थानीय के पदाधिकारी के सेहो दसै भत्ता कोरोना कोष में जमा कर समेत आग्रह कलन। तहिना मंत्रिपरिषद के बैठक नेपाल भर के श्रम संबंधी मुद्दा देखबाक अधिकार तोकबाक आ काठमांडू मुकाम राखैत श्रम अदालत गठन कलक, जाहि में उच्च अदालत तुलसीपुर के न्यायाधीश राम प्रसाद ओली अध्यक्ष तो कैल छे। सदस्य सब में भोजपुर जिला के सड़ानंद नगरपालिका सदस्य प्रेम कुमार राय आ मैगदी जिला पुलाचोर गावी सके निशा बानिया रहल छे। राजू सदा के मृत्यु संबंधी अध्ययन विशेष समिति के प्रतिवेदन प्रदेश दू प्रदेश सभा में पेश भेल छे। राजू सदा के मृत्यु संबंधी अध्ययन विशेष समिति के सभापति रविंद्र बैठा सोम दिन प्रदेश सभा बैठक में पेश कलन। राजू सदा के घर परिवार हंसपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित सब पूछताछ कक प्रतिवेदन तैयार कैल गेल छे। प्रदेश सभा में प्रतिवेदन पेश करैत सभापति बैठा कोरोना संक्रमण के कारण चिकित्सक सब राजू संग प्रत्यक्ष नहीं भेट कर
फोन से बात क दवाई दैत आयल। अस्पताल में स्वास्थ्य सामग्री के अभाव, पीसीआर रिपोर्ट आब में विलम्ब, अस्पताल कहने बमोजिम बीमार के परिवारजन सीटी स्कैन नहीं करबौने सहितक बहुत कारण से हुनक इलाज समय पर आ सही ढंग से नहीं भेल बतौलने। प्रतिवेदन के निष्कर्ष के विषय में समिति के सदस्य सुरिता शाह अस्पताल अव्यवस्थित रहल आ जाहि के कारण राजू के ठीक से इलाज नहीं भेल बतौलने। अपने के स्पष्ट रूप में देखल गेले जे आइसोलेशन से जे मरीज जेकरा निगेटिव आइले कोरोना ओकरा डायरेक्ट इमरजेंसी में ट्रांसफर करे पड़े। अगर मरीज सीरियस है लेकिन ओकरा डायरेक्ट ट्रांसफर न करके ओकर पेशेंट के बुझा दे के गार्जियन के और गार्जियन लेके गेली 2 घंटा 1 घंटा के बाद इमरजेंसी में। उ पीरियड में भी ओकर इलाज अच्छा से होते रहे तो जेना सीटी स्कैन करते रहे, सोडियम टेस्ट सब करके चले ओकरा कैलाकि ओकरा छटपटाहट बहुत ज्यादा छले और बेहोश भी हल्का हल्का हो गेल छले। तो अ समय में ओकर इलाज सही समय में सही जगह जेना इमरजेंसी में सही जगह इलाज होके चाहिए वो इलाज अपने के डायरेक्ट आइसोलेशन से इलाज पड़े से नहीं भेले। तहिना सामाजिक विकास मंत्रालय से उत्तरदायी नहीं देखल गेल प्रतिवेदन के निष्कर्ष रहल छे। अखार 14 गते प्रदेश सभा बैठक के संयोजकत्व में सांसद सब चमेली दास, सुरिता शाह, नरेश यादव आ सावित्री देवी शाह सहित के 5 सदस्य समिति बनौने छल। जेठ 29 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के आइसोलेशन में भर्ना भेल। 16 वर्षक राजू के अखार 9 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के इमरजेंसी वार्ड में मृत्यु भेल छल। प्रदेश दू प्रदेश सभा प्रदेश निजामती सेवा के गठन, काम संचालन आ सेवा के शर्त संबंधी व्यवस्था करा बनल विधेयक पारित कलक। प्रदेश सभा के सोम दिन के बैठक प्रदेश निजामती सेवा के गठन, काम संचालन आ सेवा के शर्त संबंधी व्यवस्था करा बनल विधेयक सर्वसम्मति से पारित कलक। से पहले विधेयक के दफावार परामर्श में सांसद सबसे कैल गए प्रश्न के जवाब दैत आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संहिता के संस्थागत करबाक लेल ई महत्वपूर्ण विधेयक भेल बतौलने। से पहले भेल विधेयक ऊपर भेल परामर्श में सांसद पारस प्रसाद शाह सहभागी भेल छलै। तहिना संशोधनकर्ता शिवचंद्र चौधरी अपन सभक बात समेटल गेल पर खुशी जनौने छलथि। तहिना सोम दिन के प्रदेश सभा बैठक बाल बालिका के हक अधिकारक संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक सर्वसम्मति से पारित कलक। तहिना प्रदेश सभा जांच बूझ आयोग गठन, काम कर्तव्य आ अधिकार संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेज स्वीकृति प्रदान कलक। सोम दिन के बैठक संसदीय दलक सिफारिश में विषयगत समिति सदस्य के हेरफेर कलक। जाय अनुसार जन्नत अंसारी के कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति से विकास समिति में, सिंहासन शाह कलवार के विकास समिति से कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति में आ रामकिशोर प्रसाद यादव के सार्वजनिक लेखा समिति में भेजल गेल छै। प्रदेश दू के प्रमुख तिलक परियार प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत्य कलने छै। मंत्री परिषद के सिफारिश में मंगल दिन रात 12 बजे से प्रदेश सभा के 4 अधिवेशन अंत्य कलने छै। सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश दू प्रमुख परियार से प्राप्त चालू अधिवेशन अंत्य संबंधी पत्र पढ़ कर सुनौने छलथि। जाय अनुसार नेपालक संविधान के धारा 183 के उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सरकारक सिफारिश में प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन मंगल दिन रात 12 बजे से अंत्य भेल सभा में जानकारी देल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक सोम दिन से काठमांडू में शुरू भेल छै। विधान संशोधन नियमावली निर्माण, केंद्रीय समिति के विस्तार तथा कार्य विभाजन सहित के विषय में परामर्श तथा निर्णय कर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बैसल। बीतल बैसाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी आ समाजवादी पार्टी बीच एकता भक जनता समाजवादी पार्टी बनल छल। एक बाद बैसल ई दोसर केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक अछि। बैठक में पार्टी के आंतरिक विषय के संगे पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में सेहो परामर्श हैत। बैठक मंगल दिन धरि चलत। लोक सेवा आयोग कार्तिक 16 गते से लेबय लागल संपूर्ण लिखित परीक्षा स्थगित कलक। आयोग सोम दिन सूचना जारी करैत कोरोना महामारी के कारण परीक्षा में सहभागी हो वाला उम्मीदवार सब में सृजना भेल भय आ आयोग के कर्मचारी समय समेत संक्रमण पुष्टि भेला से परीक्षा स्थगित कैल गेल जानकारी दिलक। आयोग दोसर सूचना जारी नहीं होब धरक लेल परीक्षा स्थगित कैल गेल जानकारी दिलक। परीक्षा व्यवस्थापन में जनशक्ति खटाव तथा परीक्षा व्यवस्थापन कर समस्या हैत
हत्या आयोग के पूर्व निर्णय बमोजिम तोकल गेल निजामती सेवा सुरक्षा निकाय आ संगठित संस्था दिस के संपूर्ण लिखित परीक्षा स्थगित कैल गेल। आयोग जारी कने सूचना में लिखल छे सरकार सब स्थानीय में निर्माण कर लागल अस्पताल भवन के शिलान्यास अगला अगहन 15 गते एक साथ कर लागल छे। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सब नागरिक के पहुँच सुनिश्चित करवाक लेल सब स्थानीय में 5 से 15 सैया धर के आधारभूत अस्पताल स्थापना करवाक नीति अनुरूप अर्थ मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बीच एक बेर भवन शिलान्यास करवाक सहमति भेल छे। अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के उपस्थिति में दुनू मंत्रालय के पदाधिकारी बीच भेल बैठक में एहन सहमति भेल। अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल जानकारी देलनि अछि सरकार देश भरि एक बेर 376 स्वास्थ्य केंद्र आ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण करवाक महत्वाकांक्षी योजना आगा बढ़ौने छे। एकीकृत योजना अंतर्गत प्रादेशिक आ संघीय अस्पताल सब समेत रहल अछि। मंत्रालय 1200 थान वेंटिलेटर 3500 थान हाई डेफिशिएंसी यूनिट आ 3000 थान आईसीयू के प्रबंध करब बजट समेत व्यवस्था करत। सबै स्थानीय तहमा 5 से 1500 सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने भन्ने जुन सरकारको नीति आएको थियो त्यो बमोजिम यो पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य सम्बन्धित निकायमा बजेट विनियोजन भइसकेको छ हैन र त्यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यो अस्पतालहरूको ड्रइङ डिजाइन चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार गर्ने र त्यो सबै पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने र सबै पालिकाहरूमा चाहिँ यो 77 मङ्सिर 15 गते चाहिँ सबै यो अस्पतालहरूको भवनको शिलान्यास गर्ने व्यवस्था चाहिँ यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय यो भएको छ भने दोस्रो निर्णयमा यो COVID-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु SDU भेन्टिलेटर लगायतका जति पनि यो मेसिन उपकरण COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्नेवाला आइसियु SDU भेंटिलेटर लगायत के मशीन उपकरण तत्काल खरीद करबाक उद्देश्य लक तैयार भेल कार्ययोजना बमोजिम के खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आगा बढ़ौने छे। तहिना एकर लेल आर्थिक स्रोत के व्यवस्थापन अर्थ मंत्रालय मिलेबाक सहमति सेहो भेल छे। तहिना कोविड खोप सेवा के आपूर्ति सुनिश्चित कर आवश्यक कूटनीतिक आओर प्रयास अर्थ मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रयास में आगा बढ़ाओल जात। अय बाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय COVID-19 के विरुद्ध विकास वाला खोप लगायत के आपातकालीन दवाई के प्रयोग के व्यवस्थित कर मौजूदा औषधि ऐन में सामयिक संशोधन करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक सहमति समेत दू मंत्रालय बीच भेल छे। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट कोरोना संक्रमण के स्थिति के मध्य नजर करैत रोबोट निर्माण कलक अछि। नास्ट सोम दिन कार्यक्रम क रोबोट सार्वजनिक कलक अछि। यांत्रिक कोरोना कम्पैक नाम देल गेल रोबोट कार्यालय में पैसित काल आ निकलित काल हाथ जोड़ कर अभिवादन करबाक मास्क लगौने नै लगौने छुटिएबाक आ नै लगौने व्यक्ति के मास्क देबाक सैनिटाइजर देबाक लगायत के काज करत। ई रोबोट कोनो भी कार्यालय के लेल बहुत उपयुक्त हेबाक सेहो नास्ट जनौलक अछि। नास्टक इंजीनियर रोशन पांडे के अनुसार रोबोट सर्वसाधारण के शरीर के तापक्रम नापबाक सैनिटाइजर देबाक मास्क नै लगौने पाओल गेला पर मास्क देबाक काज करत। ई रोबोट के नास्ट के प्रवेश द्वार में राखबाक सेहो पांडे जानकारी देलनि अछि। यहाँ पस्ता निस्किदा फेरिको हाम्रो नास्ट का कर्मचारी तथा आगन्तुकहरुलाई चाहिँ यसले हात जोडेर सम्बोधन गर्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ मास्क लाएको छ लाएको छैन उसले छुट्याउने र नलाएको रहेछ भने चाहिँ तपाईँको उसले आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट मास्क निकालेर दिने हामी हेर्न सक्छौँ। रोबोटको पछाडि एउटा झोला जस्तो छ त्यो झोलामा भेन्डिङ मेसिन छ त्यसबाट उसले राइट ह्यान्डले आफ्नो राइट ह्यान्डले मास्क निकालेर दिन्छ होइन त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ सेनिटाइजर छ र सेनिटाइजर उसले दिने गर्छ र यसरी आगन्तुक छिरिसकेपछि उसले मास्क दिने र सेनिटाइजर दिने काम गरिसकेपछि उसको चाहिँ नास्टको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ हामीसँग यहाँ ट्याबमा हामीले राखेका छौँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ उसलाई चाहिएको अनुरूप इङ्ग्लिसमा नेपालीमा बोलेर र डिस्प्लेबाट दिन्छ होइन यसरी चाहिँ मास्क लाएको नलाएको थाहा पाएर अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ सेनिटाइजर दिने कामहरू भइसकेपछि यो तपाईँको डिस्प्लेबाट दिने इन्फर्मेसन भइसकेपछि बल्ल आगन्तुक भित्र छिर्नेछन्। यो एउटा तपाईँको एक किसिमको यो सिस्टम अथवा यो एक किसिमको
भनौँ पडक जुन अहिले आरएनडी भएर चाहिँ नि नाश कोरोना के प्रभाव के कार्यालय में पैसित काल आ निकलित काल प्रभावकारी रूप से नियंत्रण कर सकबाक उद्देश्य से रोबोट निर्माण कयल गेल सेहो पांडे बतौलने छे। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी खसी छागर के बिक्री शुरू केला संगे खरीद के निहार सबके भीड़ लागल छे। कंपनी सोम दिन से सहूलियत दर में खसी छागर के बिक्री शुरू केलक अछि। कंपनी के थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसर से दसई के लेल खसी छागर बिक्री वितरण शुरू भेल छे। कंपनी खसी छागर के प्रति केजी 560 रुपया मूल्य निर्धारण क के ओय में 10 रुपया सहूलियत द के 550 रुपया में बिक्री क रहल छे। बाजार में प्रति किलो 600 से 650 रुपया प्रति किलो धरि पड़े वाला खसी 550 रुपया में भेटवाक भेला बाद उपभोक्ता सबके भीड़ लागल छे। खसी छागर किनबाक लेल कोविड संक्रमण के प्रवाह समेत नहीं कह कर सैकड़ों के संख्या में उपभोक्ता सब थापाथली पहुँचल देखल गेल छल। कंपनी बाजार मूल्य नियंत्रण के लेल कहत हरेक वर्ष दसई में खसी छागर बिक्री कर दियल छे। अहि बेर कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण बीतल समय से कम संख्या में खसी छागर बिक्री कर लागल सेहो कंपनी जानकारी दिलक अछि। एम्हर सरकार बाजार भाव से कम मोल में खसी छागर बिक्री केला पर अपना सब समस्या में पड़ल व्यापारी सब उपराग केलक अछि। काठमांडू के कलंकी स्थित खसी बाजार में व्यापारी सब दसई के समय में मूल नियंत्रण के लेल कहत सरकार खरीद मूल्य से कम मूल्य में खसी बिक्री क देला से अपना सब समस्या में पड़ल उपराग केलक अछि। अपना सब 550 रुपया से 600 रुपया धर में किसान से खरीद क के आनने कहत सरकार तोकने मूल्य से बिक्री कर नहीं सकबाक सेहो व्यापारी सब जनौलक अछि। तपाईँ उपभोक्ता किन्ने आउनुहुन्छ खाद्यमा चाहिँ 550 यहाँ चाहिँ किन 650 भन्छन् भने त्यो सबै कुरा त हामीले बुझाउन सक्दैनौँ होइन। कोही त बुझ्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हो भनेर, कोही त बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले भने व्यापारमा चाहिँ अलिकति डिबेट आउने कुरा हो कि हङ्गामा मचिन्छ नि, किन 550 वहाँ किन यहाँ यति भन्नेको चाहिँ हङ्गामा मचिने चाहिँ काम चाहिँ भएछ होइन। अब यो सरकारको निकायमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनको लागि बारम्बार हामी मिटिङमा गएर कुरा गरेका थियौँ, यो सक्सेसै भएन क्या। यसो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै गरिदिनु भयो, अब हामीले के भन्नु, हामीले त्यो भन्नुभन्दा सिवाय केही छैन होइन। यस्तो गर्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो होइन। अब उपभोक्ताले कि सरकारले दसैँको बेलामा टोटल्ली उहाँले नै बरु खैदिएको भए नि उपभोक्ता राम्रो हुन्थ्यो कि, जति खसी आउँछ सरकारले किनिदिएर 550 खैदियो भने हामीलाई आपत्ति विषय होइन। तर खुवाउन पनि नसक्ने तपाईँको 50-60 हजार खसी काट्नुमा चाहिन्छ, 450 खसी लिएर ल्याएर चाहिँ एउटा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ वातावरण क्रिएट गरिदिएछ। व्यापारी सब खसी छाड़ के मूल में अत्यधिक फरक पारि सकबा कहत काठमांडू महानगरपालिका नियमित अनुगमन समेत करते आयल है। महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष शोभा सापकोटा लगातार अनुगमन क रहल बतौलन है। अनुगमन भइराखेको छ र अहिले पनि हामी यहाँ आइराखेका छौँ। मापदण्ड एउटा अप्नाएर मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार तपाईँले बेच्नुहोस् भनेर हामीले घचघचाइराखेको छ र अझै पनि हामी घचघचाउँछौँ। अझै अब तेस्रो दिन हो आज नवदुर्गा भवानी, तेस्रो दिन हो, अब भिडभाड बढ्दैछ र मापदण्ड अनुसार गरिदिनुहोस् भनेर हामी अहिले पनि हामी छलफल गर्छौँ। बजार हस्तक्षेप क के मूल्य नियंत्रण करबाक लेल कहत सरकार 1000 खसी छागर आनि क सोम दिन से बिक्री शुरू कयने छे। सरकार खसी के मोल प्रति केजी 550 रुपया में बिक्री क रहल छे, मुदा खसी बाजार में प्रति केजी 600 रुपया से 680 रुपया धरि में बिक्री भ रहल छे। सरकार बाजार नियंत्रण के लेल कहत जम्मा 1000 खसी छागर मात्र आनै छे। ई संख्या बाजार नियंत्रण के लेल न्यून देखल गेल छे। तैसा दसई के समय में उपभोक्ता सब फिर से महग मोल में खसी खरीद कर बाध्य भेल छे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 11,19,357 पहुँचल छे। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,03,52,344 पहुँचल छे। संक्रमित में से 3,147,498 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छे। कोरोना संक्रमण से बेसी अमेरिका में 2,24,732 गोटे के मृत्यु भेल छे। ओतय 83 लाख से बेसी संक्रमित रहल छे। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,53,906
पांच गोटे के मृत्यु भेल छे। तेसर सबसे बेसी भारत में 114,670 गोटे के मृत्यु भेल छे। भारत में 75,00,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहल छे। मेक्सिको में 86,167 गोटे के मृत्यु भेल छे। तहिना बेलायत में 43,646 गोटे के मृत्यु भेल छे। इटली में 36,543 गोटे के जान गेल छे। स्पेन में 33,775, फ्रांस में 33,477 आ ईरान में 30,712 गोटे के मृत्यु भेल छे। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छे। तहिना सऊदी में 5,185, यूएई में 463, कतार में 224 आ मलेशिया में 190 गोटे के मृत्यु भेल छे। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। धनुषा के लक्ष्मणिया में पोखरि में डूब कर दू बालिका के मृत्यु। नेपाल में सोम दिन कोरोना से और 18 गोटे के मृत्यु। पिछला 24 घंटा में और 3790 गोटे संक्रमित। कोरोना के संदर्भ में अफवाह के पाछा नहीं लगा, सरकार द्वारा सब संग अपील। गरीब असहाय सहित के निशुल्क इलाज करेबा कथन। राजू सदा मृत्यु के जांच कर गठित समिति के प्रतिवेदन प्रदेश सभा में पेश। अस्पतालक अव्यवस्था सहितक कारण से ठीक से इलाज नहीं भेल ठहर। आ प्रदेश दू प्रदेश सभा से निजामती सेवा आ बाल बालिका अधिकार संबंधी दूटा विधेयक पारित। चालू अधिवेशन मंगल के राति से अंत्य। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।